अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है पठान अकलीम और आप सबका खुश आमदीद करता हूँ मेरे चैनल ओरिजिनल पाकिस्तानी में। आज मेरा जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसका ट्रेलर अभी कुछ ऐसे पहले रिलीज़ हुआ है और काफ़ी वर्ल्ड वाइड सराहा गया है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक वीडियो भी दी है और ट्विटर के ऊपर भी टाइगर शरफ और टीम ने जो है उसको थैंक यू बोला अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, कि उन्होंने इतना ज़्यादा पसंद किया उसको, जो है क्या कहते हैं, पसंद किया, देखा है और सराहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये ओरिजिनल पाकिस्तानी होने का दावा करता है और इंडियन मूवीज़ और इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर और इंडियन प्रोड्यूस मूवीज़ के ऊपर जो है रिएक्शन दे रहा है, व्यूज़ दे रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखना अभी आई थिंक नंबर वन ट्रेंड पे जो चल रहा है वो यही मूवी है, उसका ट्रेलर है जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तो शायद मेरा एक हक बनता है कि मैं इस मूवी के बारे में ज़रूर बात करूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अगर चाहते हैं मैं कोई और मूवीज़ और किसी चीज़ के ऊपर अपना रिव्यूज़ दूँ, रिएक्शन दूँ, उसके बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके अंदर जो स्टार कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दो नई स्टार जो हैं इसमें काम कर रहे हैं, इस अनानिया पांडे एंड तारा सत्तारिया, आई थिंक तारा सत्तारिया और तारा सत्तार समथिंग, जो ये दो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। और इसमें टाइगर शरफ जो सुपरस्टार पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं, उनके बहुत सारे फैन पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर पाकिस्तानी, और जो है लोग उनको काफ़ी कॉपी और शेयर करते हैं, उनको पसंद करते हैं, वो इसमें स्टार कर रहे हैं। अब फ़र्क क्या है स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में? पहले जो स्टूडेंट ऑफ ईयर में जो कहानी है वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने का जो एक सपना है उसके ऊपर कहानी है, और उसमें एक हीरोइन और दो हीरो हैं। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में सेम कहानी है कि अगेन जिद्दोजहद दिखाई है स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए, लेकिन इसके अंदर इस बार दो लड़कियां और एक लड़के हैं, टाइगर शरफ जो हैं, विच इज़ थोड़ा सा उन्होंने एक ट्विस्ट लाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं, अब अगेन इसको करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है, तो इसके अंदर लॉर्ड ऑफ एक्शन, लॉर्ड ऑफ रोमांस, लॉर्ड ऑफ लव स्टोरी, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर होंगी और ये होना भी चाहिए। आपको बात अगर करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें नहीं है, इट्स नॉट अ फैमिली ड्रामा और फैमिली मूवी, तो वो फिर आप कह सकते हैं कि करण जौहर जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। और बात वही है, इस स्ट्रगल एक हीरो की, टाइगर शरफ की, कि वो जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो एक कंपटीशन है उसको जीते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एथलेटिक स्टंट हैं, उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसमें म्यूजिक है, उसमें दूसरी चीज़ें जिसके तहत कॉलेज के अंदर स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है वो चुना जाता है। उसके हिसाब से अगर टाइगर शरफ की बात करें, एथलेटिक्स ब्रिलियंट ब्रिलियंट डांसर, तो वो बिल्कुल अच्छा फिट करते हैं इस रोल के हिसाब से। अब बात करते हैं अनन्या पांडे जो कि इसमें नई किरदार इंट्रोड्यूस किया है। अनन्या पांडे जो है एक अमीर लड़की हैं, शी हैज एटीट्यूड, शी हैज दैट कूल एटीट्यूड विद हर, वो गर्ल, वो लड़की हैं जिनको जो क्या कहते हैं, आई थिंक कॉलेज का हर लड़का चाहता है कि उनसे दोस्ती हो, उनको उनकी गर्लफ्रेंड बने और उनके साथ रहें। ये अनन्या पांडे का रोल है जो कि बहुत अच्छे तरीके से अभी ट्रेलर के अंदर अगर आपने देखा तो उन्होंने निभाया है। जो तारा जो हैं वो जो हैं एम्बिशियस गर्ल हैं, मिडिल क्लास में, वो कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बन के दिखाना चाहती हैं। और टाइगर शरफ अगेन एक क्या कहते हैं, पंजाब साइड से एक लड़के हैं जो कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया है और वो भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगेन फिर स्टोरी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें जो नए जो हमारे जो एंटैगनिस्ट हैं, हमारे जो विलन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी काफ़ी एथलेटिक और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हजरत हैं जो कि टाइगर शरफ को टफ टाइम देते हैं, स्कूल से उनको निकाला भी जाता है, लेकिन ही कम्स बैक एंड शो इज स्ट्रेंथ के भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ एंड आई कैन बी द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो दिस इज द होल मूवी इज ऑल अबाउट। इसके अंदर गेम बहुत सारे आपको खूबसूरत सॉन्ग, डांस नंबर और बहुत सारे एक क्या कहते हैं स्टंट नज़र आएंगे, क्योंकि अगेन इसमें टाइगर शरफ हैं और जो विलन साहब हैं वो भी काफ़ी एथलेटिक और बेहतरीन किस्म की उनकी फिजिक है, और वो भी काफ़ी आई थिंक एक टक्कर वाली अगर हम बात करें तो बहुत इसके अंदर मौजूद है। जो कैरेक्टराइजेशन है इस मूवी की वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी हुई है, बहुत सही शख्स टाइगर शरफ को, जो टाइगर शरफ को चुना गया है इस मूवी के लिए, और जो जो उनके विलन हैं जो वाकई में जो उनका ऑपोजिट किरदार अदा कर रहे हैं हीरो के, वो भी उसी लेवल पे हैं, मतलब उनका कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ भाई एक ढीला ढाला सा लड़का वो टाइगर शरफ को क्या कहते हैं टक्कर दे रहा है और ये तो हो नहीं सकता, बट हाँ द अदर गाय स्टिल ही हैज द सेम फिजिक, सेम लुक्स एंड सेम एग्रेशन और जो टाइगर शरफ के पास मौजूद है। तो दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट। इसमें काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं, आप लोग अगर देखना चाहें ज़रूर देखें, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ अगर
अपर वर्जन अगर हम बात करें कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन से अगर चीज़ें ऊपर लेके गई है तो वो उसकी कैरेक्टराइजेशन है, क्योंकि स्टोरी में कुछ नया नहीं है, द सेम स्टोरी, वही डांस नंबर है, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कैरेक्टराइजेशन जो इस मूवी की और जिस तरीके से कास्टिंग की गई है, दैट्स मेक दिस मूवी रियली इंटरेस्टिंग फॉर द टीन्स एंड फॉर द यूथ ऑडियंस और द व्यूअर, जो कि इस मूवी का बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और करण जौहर ने काफ़ी अर्से पहले इस मूवी के बारे में बात कर दी थी कि भाई टाइगर श्रॉफ को लेके इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मूवी और द सीक्वल ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस ट्रेलर्स के बारे में और क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा इस कमेंट में, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और वीडियो के ऊपर और ट्रेलर के ऊपर बात करूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या कहते हैं, अजय देवगन और दूसरे स्टार्स के ऊपर भी स्टार्स ने भी, उनकी भी बहुत अच्छी मूवीज़ आ रही, टोटल धमाल और एक और अजय देवगन की अच्छी मूवीज़ आ रही, वो भी काफ़ी पाकिस्तान यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग था उसका ट्रेलर, बट आई एज अ प्रोटेस्ट आई डोंट वांट टू गिव माय रिव्यूज़ ऑन हिज मूवीज़ बिकॉज एक जो भी हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक थोड़ा सा तसादुम हुआ था, उन्होंने उसमें काफ़ी आग लगाने की कोशिश की थी और आई थिंक उनकी तरफ से अगर बेहतर होता, क्योंकि उनके पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैंस हैं, अगर बेहतर होता कि वो अगर चीज़ को थोड़ा सा कम करते, मदम करते, बट मुझे उनकी तरफ से जो उनका एटीट्यूड था काफ़ी अजीब लगा था, जिसकी वजह से मैं एज ए प्रोटेस्ट यू कैन से आई डोंट वांट टू गिव माय रिव्यूज और रिएक्शन ऑन हिज मूवी, बट टाइगर श्रॉफ इज़ अमेजिंग पर्सन, करण जौहर इज़ अमेजिंग डायरेक्टर, और उनकी वीडियो आ रही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही, तो बहुत मैं अपना एक तरफ से मुझे लगता है कि मैं उस वीडियो के ऊपर, इस ट्रेलर के ऊपर और ब्यूटीफुल मूवी है उसके ऊपर ज़रूर बात करूँ, और मैं विश करता हूँ कि पाकिस्तान में रिलीज़ हो, पाकिस्तान में देखी जाए, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी मौका मिले कि वो भी अपनी पसंदीदगी इनके मूवीज़ और इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर बात करें और लोग देखें। थैंक यू सो मच, दिस इज़ पठान अकलीम, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।